ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है, लेकिन हम आत्म अभिमानी कैसे बने उसके पर चर्चा। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होना अनुभव होना चाहिए, ठंडा का अनुभव होना चाहिए, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी का अनुभव होगा। इसी तरह अगर कोई सर्वशक्तिमान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होना चाहिए, शक्ति का, शांति का, आनंद का अपने आप अनुभव होना चाहिए। लेकिन वो कहता है मैं माउंट आबू में गया था, डायमंड हॉल में बाबा आया था और कहता है मैं बहनों को बहुत जुगाड़ लगा करके कुछ करके नजदीक जगह लिया था, सोफे के पास बिल्कुल स्टेज के नजदीक, और कहता है मैं 4 घंटा बैठा वहां, बाबा आया था लेकिन मुझे कोई शांति का, शक्ति का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उसको बाबा के लिए डाउट आई तो मैंने उसको एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देकर के उसको समझाया। अगर कोई बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक, और उस चुंबक के पास लोहे के टुकड़े डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट खींच लेगा, इसका मतलब चुंबक बहुत पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालेंगे तो क्या हो जाएगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक तो अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन लोहे के टुकड़ों को क्या किया है, कपड़े के अंदर थान के अंदर लपेट करके डाला, इसीलिए नहीं खींचेगा। इसी तरह बाबा भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर आप आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे तो बाबा खींच लेगा, बाबा की अनुभूति होगी। अगर देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे बाबा की कोई अनुभव नहीं होगा। इसीलिए आत्म अभिमानी होकर के बैठो बाबा के पास। इसीलिए बाबा जब भी मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। इसीलिए आत्म अभिमानी बनना ये बहुत जरूरी है।